आपको पता है कि सूरज की लाइट को अर्थ तक पहुंचने के लिए 8 मिनट और 20 सेकंड्स लगते हैं। यानी अगर अभी मान लो कि सूरज अचानक से गायब हो जाए तो पूरे 8 मिनट 20 सेकंड तक हमें पता भी नहीं चलेगा कि कुछ चेंज हुआ है, क्योंकि 8 मिनट 20 सेकंड्स तक इसकी लाइट हमें मिलती रहेगी। यानी जो भी आप सूरज देख रहे हो वो अभी का सूरज नहीं बल्कि 8 मिनट 20 सेकंड पहले का सूरज है। इसका मतलब है कि हम 8 मिनट पास्ट में देख रहे हैं। अब हम में से कई लोग बोलेंगे कि 8 मिनट पास्ट से क्या होगा, काश मैं अपनी दादी जी या अपने किसी लव्ड वन को 100 साल पहले देख सकता था। तो क्या ये चीज पॉसिबल है? साइंटिस्ट ने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसे हम 100 साल पहले तो क्या बल्कि 13.4 बिलियन साल पहले भी देख सकते हैं, और इस मशीन का नाम है हबल टेलीस्कोप। हुआ ये कि इंसानों को समझ आ गया था कि जितनी दूर से किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइट आएगी इसका मतलब है कि वो हमें उतना पास्ट के बारे में बताएगी। यानी अगर लाइट को हम तक पहुंचने के लिए 8 मिनट की जगह 13.4 बिलियन साल लग रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम देख सकते हैं कि 13.4 बिलियन साल पहले क्या हो रहा था। यस, हम पास्ट में झांक सकते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी दूरबीन बनाई जाए, यानी कि टेलीस्कोप बनाया जाए जो हमें यूनिवर्स के पास्ट में बताए। और इसीलिए 24 अप्रैल 1990 को उन्होंने हबल नाम का एक टेलीस्कोप लॉन्च किया। अब आप बोलेंगे कि हबल टेलीस्कोप ने हमें ऐसा क्या दिखाया था जो हमें पहले नहीं पता था। सबसे पहली चीज जो हमें पता चली थी कि यूनिवर्स में 100 बिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज हैं। 1996 में साइंटिस्ट ने हबल टेलीस्कोप के साथ एक अजीब सी चीज करनी चाहिए। उन्होंने स्पेस में हबल को उस डायरेक्शन में घुमाया जहां पर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल काला स्पेस। बहुत से बाकी साइंटिस्ट को लगा कि ये तो हबल टेलीस्कोप का टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि हबल की एक लाइफ है और इस टाइम में हबल से हम कुछ और चीजें देख सकते हैं, नई डिस्कवरीज कर सकते हैं। बट इस काले स्पेस में जो ह्यूमंस को दिखा उससे सबके होश उड़ गए। उस छोटे से एरिया में ही उन्हें 3000 से ज्यादा गैलेक्सीज मिली। इस इमेज में हर एक छोटा लाइट का स्पॉट भी गैलेक्सी है। उसमें करोड़ों सूरज है, करोड़ों सोलर सिस्टम है और अर्थ की तरह करोड़ों प्लैनेट्स हैं। और इस इमेज को नाम दिया गया अल्ट्रा डीप फील्ड। हबल की दूसरी अमेजिंग डिस्कवरी जो मुझे अच्छी लगती है वो है सैटर्न एंड इट्स 3 मून्स। हबल ने सैटर्न की बहुत क्लियर इमेज अर्थ में सेंड करी जिसमें हम उसके 82 में से 3 मून्स देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है पिलर्स ऑफ क्रिएशन। 1995 में हबल एक ब्यूटीफुल इमेज ली जिसे कहा गया पिलर ऑफ क्रिएशन। इसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस इमेज में हम गैस और डस्ट देख सकते हैं जिसमें नए स्टार्स यानी सूरज बन रहे हैं। 1995 में space.com ने इस इमेज को हबल की टॉप 10 इमेजेस में से एक बताया। अब कई लोग समझ नहीं पाते इस इमेजेस की ब्यूटी, तो आइए इसे दूसरे तरीके से समझते हैं। जस्ट इमेजिन, ये लाइट्स हम तक पहुंची कैसे? 13.4 बिलियन साल पहले जब ये लाइट चलने लगी थी तब अर्थ बना भी नहीं था। इससे पहले कि ये लाइट हम तक पहुंचती हमारा अर्थ बना, उसमें हम ह्यूमंस आए, ह्यूमंस इंटेलिजेंट हुए और उन्होंने एक टेलीस्कोप बनाया, और आज हम उसी टेलीस्कोप से उस लाइट को देख रहे हैं जो हमारे बनने से पहले आई थी। कई लोग इस बात से खुश हो जाते हैं और कई लोग डर जाते हैं, बट सच्चाई तो यही है कि जिस तरीके से हम मून को देख सकते हैं उसी तरीके से हम इन करोड़ों साल पुरानी गैलेक्सीज को भी देख सकते हैं इन टेलीस्कोप के जरिए। साइंटिस्ट इससे भी खुश नहीं थे, उन्हें स्पेस के बारे में और जानना था और चीजें डिस्कवर करनी थी। इसलिए उन्होंने हबल टेलीस्कोप से भी पावरफुल टेलीस्कोप बनाया और कुछ ही महीने पहले यानी 25 दिसंबर 2021 को इसे लॉन्च किया गया। और इस टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप, जिसको बनाने में $10 बिलियन लगे यानी 75,000 करोड़ रुपए। जेम्स वेब टेलीस्कोप इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। ओके, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप में 18 मिरर्स लगे हैं और इन मिरर्स के ऊपर गोल्ड यानी सोना चढ़ाया गया है। ये हबल टेलीस्कोप से इतना पावरफुल है इसे समझने के लिए हम इमेजिन कर सकते हैं अगर अभी आप धरती से 65 मिलियन लाइट ईयर्स दूर होते और वहाँ पर जेम्स वेब टेलीस्कोप से अर्थ को देख रहे होते तो आपको अभी वहाँ पर अर्थ पर डायनासोर दिख रहे होते, क्योंकि 65 मिलियन साल पहले अर्थ पर डायनासोर्स थे। यानी इतनी डिटेल्ड फोटोग्राफी है जेम्स वेब टेलीस्कोप की। और ये इसीलिए है क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप स्पेस में इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करता है जबकि हबल नहीं कर सकता। क्या आपको पता है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप का लॉन्च बहुत साल तक पोस्टपोन होता रहा, और इसका रीजन है हबल टेलीस्कोप। देखो, एक्चुअली हुआ ये था कि जब हबल टेलीस्कोप स्पेस में लॉन्च किया गया था तो उसके साइंटिस्ट को पता चला कि उसके मिरर में थोड़ी सी खराबी है जिसकी वजह से इमेजेस क्लियर नहीं आ रही थी। साइंटिस्ट की बहुत बेइज्जती हुई, लेकिन फिर उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स को दोबारा हबल के पास भेजा और उसकी रिपेयर्स करवाई। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च करने के बाद अगर पता चलता है कि इसमें कोई खराबी है तो उसे रिपेयर नहीं किया जा सकता। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जेम्स वेब हमसे बहुत दूर है, ऑलमोस्ट 1 मिलियन माइल्स, जिसका मतलब है कि जेम्स वेब मून से भी ज्यादा दूर भेजा गया है। दूसरा रीजन इसका लेट लॉन्च करने का है इसकी इनसेन इंजीनियरिंग। क्या आपको पता है कि टेलीस्कोप को काम करने के लिए बहुत ही कम टेम्परेचर की जरूरत है, इसीलिए इसमें 5 टेनिस कोर्ट जितनी बड़ी फॉइल्स लगाई गई है ताकि इसके मिरर्स हमेशा कम टेम्परेचर में रहें। जो फॉइल सूरज की साइड रहती है उसका टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस है, यानी ऑलमोस्ट इतना गर्म कि पानी 1 सेकंड में वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। और जो फिफ्थ फॉइल है जहां पर मेन टेलीस्कोप है वो साइड इतनी ठंडी है कि उसका टेम्परेचर
-223 डिग्री सेल्सियस है, यानी इतना ठंडा टेम्परेचर जो अर्थ में किसी भी पॉइंट पर नहीं है। जस्ट इमेजिन, इसका मतलब है कि पांच पतली फॉइल्स ने ऑलमोस्ट 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम करवा दिया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो साइंटिस्ट को सॉल्व करनी थी वो थी कि इतने बड़े मिरर्स और फुटबॉल साइज जितनी फॉइल्स को स्पेस में भेजा कैसे जाए, क्योंकि ये रॉकेट्स में एज इट इज तो नहीं आ सकते। तो इसके लिए हमने ओरिगैमी का यूज किया। यस, वही चीजें जो हम पेपर को फोल्ड करके अलग अलग शेप्स बना के करते थे। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को फोल्ड करके एक रॉकेट में डाल के स्पेस तक पहुंचाया गया, और फिर इस पूरे स्ट्रक्चर को अनफोल्ड होने के लिए ऑलमोस्ट 90 डेज का टाइम लगा। स्लोली स्लोली एक एक मिरर और एक एक फॉइल अनफोल्ड होती रही। बहुत से लोगों के मन में सवाल ये आता है कि टेलीस्कोप्स को हम अर्थ में ही क्यों नहीं रखते, बल्कि स्पेस में क्यों जाके भेजते हैं। और इसका रीजन है अर्थ का एनवायरनमेंट, हमारा एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से जो भी लाइट बाहर स्पेस में अर्थ से आती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है और हमें क्लियर इमेजेस नहीं मिलती। यानी अगर हमें प्लैनेट्स और गैलेक्सीज की अच्छी फोटोग्राफ लेनी है तो हमें टेलीस्कोप को अर्थ से बाहर ही रखना पड़ेगा। अभी तक जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कोई इमेजेस नहीं सेंड करी है, लेकिन नासा के यूट्यूब चैनल में हम इन इमेजेस को देख पाएंगे जुलाई 12, 2022 को। अब हमें से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि वाओ, हम पास्ट में तो देख सकते हैं, लेकिन क्या हम एक्चुअल में पास्ट में जा भी सकते हैं? तो एज ऑफ नाउ द आंसर इज नो। हमें फिजिक्स की इक्वेशंस अलाउ नहीं करती कि हम पास्ट में जा सकते, लेकिन यस, हम फ्यूचर में जा सकते हैं। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी इंक्रीज कर लेते हैं तो दो तरीके हैं फ्यूचर में जाने के लिए। पहला मेथड तो यह है कि अगर हम काफी स्पीड में अर्थ से बाहर निकल जाते हैं तो हमारे लिए टाइम स्लो मूव करेगा एज कम्पेयर टू हमारे रिलेटिव्स के लिए जो अर्थ में है। इसका मतलब है कि अगर हमारे लिए स्पेस में 10 साल गुजर रहे हैं तो हमारे रिलेटिव्स के लिए 100 साल गुजर जाएंगे। दूसरा मेथड जिससे हम फ्यूचर में जा सकते हैं वो ये है कि हम ब्लैक होल के पास जाएं और उसके पास जाके हम टाइम स्पेंड करें। इससे भी जो हमारे लिए टाइम होगा वो स्लो मूव करेगा, लेकिन हमारे रिश्तेदार जो घर पर हैं उनके लिए टाइम जल्दी मूव करेगा। अगेन, वापस अर्थ में आने पर आपकी एज कम होगी जबकि आपके रिश्तेदार बूढ़े हो चुके होंगे। अब आई नो जो साइंस के स्टूडेंट्स नहीं है उन्हें लग रहा होगा कि ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, बट ये थ्योरी आइंस्टाइन की इक्वेशन से ही आती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सबसे पहले देखा कि जितनी दूर हमसे कोई चीज हो उतना ही टाइम उसकी लाइट को हम तक पहुंचने में लगा। यानी हम जो अभी सूरज देख रहे हैं वो 8 मिनट पहले का सूरज है। इसके बाद हमने देखा कि कैसे साइंटिस्ट ने इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके सोचा कि क्यों ना करोड़ों साल पुरानी लाइट को देखा जाए, जिसके लिए उन्होंने हबल टेलीस्कोप भी बनाया। वैसे तो हबल ने हजारों फोटोग्राफ्स खींची हैं, लेकिन हमने 3 बेस्ट इमेजेस देखी। इसमें पहली थी कि हबल को एक छोटे से खाली स्पेस में 3000 गैलेक्सीज मिली और हर गैलेक्सी में करोड़ों प्लैनेट्स और करोड़ों सूरज हैं। इसके बाद हमने सैटर्न की क्लियर इमेज देखी जिसमें उसके रिंग्स और 3 क्लियर मून्स भी दिखाई दे रहे हैं। और फिर हमने पिलर्स ऑफ क्रिएशन इमेज देखी जिसमें हमने देखा कि कैसे नए सूरज बनते हैं। इसके बाद हमने रिसेंटली लॉन्च्ड जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में बात की कि कैसे जेम्स वेब इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर कर सकता है, जिसकी वजह से वो ऐसे बहुत सी चीजें देख सकता है जो कि हबल टेलीस्कोप भी नहीं देख सकता।